ज़्यादातर लोगों ने रेबीज की बीमारी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में हर साल रेबीज की वजह से 20,000 से 30,000 लोगों की मौत होती है और इनमें 40% बच्चे होते हैं। रेबीज एक 100% जानलेवा बीमारी है, लेकिन इससे 100% बचाव भी संभव है। उसके लिए राइट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस सही जानकारी सबको नहीं होती है। हमने YouTube पे बहुत सारे रेबीज पर बने वीडियोस को देखा और पाया कि बहुत सारे ज़रूरी सवालों के जवाब नहीं दिए गए। हमने सारे सवालों को कंपाइल करके 14 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई और हमारा ये वीडियो इन्हीं 14 सवालों के जवाब देने के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आपका स्वागत है शॉन टिप्स में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कौन कौन से जानवर काटने से रेबीज हो सकता है? जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स जो अपने शरीर का तापमान एक जैसा रख पाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो सब रेबीज फैला सकते हैं। इनमें ज़्यादातर स्तनधारी जानवर होते हैं, जैसे कि डॉग्स, मंकीज, कैट्स, बफेलोज, पिग्स, शीप, गोट, काऊ। इनके अलावा और कई जानवर होते हैं जिनसे रेबीज फैल सकता है। ये आम तौर पर इंडिया में नहीं देखे जा सकते, जैसे शंक्स, रकून्स, कोएट्स, फॉक्सेस एंड माउंटेन लायंस। इंडिया में ज़्यादातर रेबीज के केसेस डॉग बाइट की वजह से होते हैं। सवाल नंबर 2, क्या फिश, पक्षियों, लीजर्ड के काटने से रेबीज हो सकता है? जी नहीं, इनके काटने से रेबीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैमल्स नहीं होते और इनके स्लाइवा में, इनके थूक में रेबीज का कोई वायरस नहीं होता है, इसलिए ये रेबीज नहीं फैला सकते। सवाल नंबर 3, क्या जानवर के बिना काटे भी रेबीज हो सकता है? रेबीज जानवर के स्लाइवा में होता है, और अगर आपके शरीर पर पहले से ही कोई स्क्रैच या कोई वूंड है या जख्म है, और अगर आपका पेट उसको चाट ले और उसमें पहले से ही रेबीज का वायरस हो, तो यस, आपको रेबीज हो सकता है। लेकिन अगर आपके पेट को आपने पूरी तरह से एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स करवाया हुआ है और आपके पेट को किसी दूसरे जानवर ने, जिसमें रेबीज है, उसने नहीं काटा है, तो आपको रेबीज नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने जो पेट है उसको एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स करवाएं। सवाल नंबर 4, क्या चमगादड़ के काटने से रेबीज हो सकता है? यस, चमगादड़ के काटने से रेबीज हो सकता है। चमगादड़ देखने में पक्षियों की तरह लगते हैं, बट वास्तविकता में ये मैमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, लेकिन बैट का जो बाइट होता है वो बहुत छोटा होता है और ज़्यादातर इग्नोर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि बैट ने बाइट किया है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को रेबीज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया में जो बैट्स जो होते हैं, वैम्पायर बैट्स जो रेबीज फैलाते हैं, इंडिया में वो नहीं पाए जाते, ये ज़्यादातर US में पाए जाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि US में ज़्यादातर रेबीज की वजह से जो डेथ होती है, उनमें जो कारण होता है वो बैट वाइट बाइट होता है। उसकी वजह वही होती है कि उसका जो बाइट होता है वो बहुत स्मॉल होता है और वो इग्नोर हो जाता है और इंसान टाइम से एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं ले पाता है। सवाल नंबर 5, क्या चूहा, छछुंदर, खरगोश, गिलहरी रेबीज फैला सकते हैं? जी फैला सकते हैं, लेकिन चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ये भी मैमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, लेकिन इनके सलाइवा में, इनके सलाइवा की अमाउंट बहुत थोड़ी होती है, उसमें सलाइवा में रेबीज का वायरस बहुत थोड़ा होता है, तो बहुत कम चांस है कि रेबीज उससे फैल जाए, लेकिन डेफिनेटली इसे फैल सकता है। इसलिए जब भी ये जानवर आपको काट लेते हैं, तो आप तुरंत से तुरंत रनिंग टैप वाटर में 10 से 15 मिनट साबुन से हाथ ज़रूर धोएं और अपने डॉक्टर के पास जाकर पूरा डिस्कस करके डिसाइड कीजिए कि वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको कन्फर्म हो जाए इन जानवरों में से किसी जानवर ने आपको बाइट किया है, तो आपको डेफिनेटली एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। सवाल नंबर 6, जानवरों में रेबीज के क्या लक्षण होते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा हुआ है। जब भी हम रेबीज के वाले जानवर या एनिमल के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉग या कुत्ते की तस्वीर आती है जिसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। लेकिन रेबीज का सबसे ज़्यादा होने वाले लक्षण है, नंबर 1, अचानक से जानवर में पैरालिसिस या लकवे जैसे लक्षण हो जाना। नंबर 2, जानवर का व्यवहार अचानक से बदल जाना,
जैसे कि बहुत ही फ्रेंडली कैट अचानक से गुस्सैल हो जाती है और बड़े प्यार से खेलने वाला पप्पी अचानक से चुपचाप रहने लग जाता है और घर के कोनों में दुबक कर बैठ जाता है। जो जानवर ज़्यादातर रात को घूमता है वो रेबीज होने के बाद दिन में घूमना शुरू कर देता है। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो रेबीज वाले जानवर में दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे खाना बंद कर देता है, नए खाने वाली चीज़ों को खाना शुरू कर देता है, पत्थर कंकड़ लकड़ी को खाना शुरू कर देता है, कुत्ते के या जानवर के गला में से गला घुटने जैसी आवाज़ निकलने लग जाती है, निगलने में दिक्कत होती है। और जब आपके पेट में को निगलने में दिक्कत होती है, वो खाना नहीं खाता, तो लोग उसको प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, और उस दौरान भी बहुत लोगों को रेबीज से एक्सपोजर हो जाता है। आप पेट में दौरे पड़ने की शिकायत होने लग जाती है और जानवर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जैसे कि टच करने या तेज़ आवाज़ से भी वो डर के दुबक जाता है या अग्रेसिव हो जाता है। जैसे जैसे वायरस ब्रेन में बढ़ता जाता है, एनिमल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और इस दौरान वह दूसरे जानवरों और इंसानों को भी काट लेता है, जिससे रेबीज फैलती है। सवाल नंबर 7, क्या पालतू जानवरों या पालतू कुत्तों में भी रेबीज हो सकता है? डॉग्स की कौन सी ब्रीड में रेबीज ज़्यादा होता है? अगर पेट डॉग या कैट, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो या चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, अगर एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स लगवाया हुआ है और उसको किसी दूसरे रेबीज से ग्रसित जानवर ने नहीं काटा है, तो रेबीज नहीं हो सकता। रेबीज किसी भी स्तनधारी जानवर को हो सकता है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो। अगर उसमें रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसका मतलब है कि वो रेबीज जो है वायरस है, ब्रेन तक पहुंच गया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जब भी हम लोग पेट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान जाता है डॉग्स की तरफ, कैट्स की तरफ, रैबिट की तरफ, लेकिन ऐसे और कई सारे जानवर हमारे आसपास होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, जो रैबिज फैला सकते हैं अगर उनको उनके अंदर, उनके सलाइवा में, उनके बॉडी में रैबिज का वायरस है। जैसे कि बफेलोज, काऊ, हॉर्स, कैट, रैबिट, गोट, शीप, ये सब रैबिज फैला सकते हैं। सवाल नंबर 8, अगर जानवर में रैबिज हो जाए तो उसका क्या इलाज है? आई एम सॉरी, अगर एक बार किसी भी जानवर में रैबिज हो जाए, रैबिज के सिम्टम आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि रैबिज का वायरस जो है ब्रेन में एंटर कर चुका है और अब किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद में उस जानवर की मौत भी हो जाती। सवाल नंबर 9, इंसानों में रेबीज के क्या लक्षण हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को जवाब को एक्सप्लेन करने से पहले हम रेबीज के इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। रेबीज ग्रसित जानवर के काटे जाने से रेबीज के लक्षण आने के बीच के समय को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ज़्यादातर ये 4 से 12 हफ्तों का होता है, लेकिन ये 6 महीने तक भी हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड इस बात पर भी निर्भर करता है कि जानवर ने शरीर के किस हिस्से पर काटा है। रेबीज वायरस हमारी नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुंचता है, इसलिए अगर पाँव पर काटा है तो ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगेगा और अगर चेहरे पर या हाथ पर काटा है तो उसे कम समय लगेगा। शरीर के हिस्से जैसे उंगलियाँ या चेहरा, जिसमें नर्व का ज़्यादा जाल होता है, वहाँ से वायरस ब्रेन में जल्दी पहुँचता है। शुरुआती लक्षण आम वायरल फीवर या फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, बदन दर्द होता है। इसमें खास एक लक्षण होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जख्म पर बहुत जलन होती है और खुजली होती है। जख्म अगर भर भी जाए उसके बाद भी यह जलन और खुजली होती रहती है। जैसे ही वायरस दिमाग में घुसना शुरू कर देता है, वैसे ही रेबीज 2 तरह के लक्षण दिखा सकता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, अग्रेसिव रेबीज होता है, जो 70% लोगों में मिलता है। इसे हम फ्यूरियस रेबीज भी कहते हैं। मरीज बहुत एक्साइटेड, अग्रेसिव हो जाता है, मुंह से अत्यधिक सलाइवा निकलता है, निगलने में बहुत दिक्कत होती है, उसको हेलुसिनेशन होने लग जाती है, जिसमें तरह तरह की आवाज़ें सुनती है, अजीब अजीब शक्लें दिखाई देने लग जाती है जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। मरीज को बिल्कुल नींद नहीं आती है। खास लक्षण इसमें यह होता है कि उसको पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। और 30% मरीजों में पैरालिटिक रेबीज होती है, जो मरीज में धीरे धीरे पैरालिसिस करती है और बाद में उसको कोमा हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। सवाल नंबर 10, क्या रेबीज के लक्षण आने से पहले किसी तरह किसी टेस्ट से रेबीज का पता लगाया जा सकता है?
जी नहीं, ऐसा कोई भी टेस्ट उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से रेबीज़ का लक्षण आने से पहले पता लगाया जा सके। लेकिन हाँ, जैसे ही लक्षण आ जाते हैं तब ये कंफर्म किया जा सकता है कई सारे टेस्टों को मिला के कि ये लक्षण जो है वो इस रेबीज़ की वजह से ही हो रहा है। फिलहाल अभी ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि लक्षण आने से पहले पहचान ले। सवाल नंबर 11, क्या रेबीज़ से ग्रसित इंसान से दूसरे इंसान में भी रेबीज़ हो सकता है? जी नहीं, हालांकि सलाइवा थूक में ये वायरस होता है, लेकिन आदमी के थूक में इतना ज़्यादा मात्रा में वायरस होता ही नहीं है कि रेबीज़ फैला सके। दूसरा महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रेबीज़ वाला मरीज़ अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को काटता नहीं है, उसमें कोई भी बाइटिंग बिहेवियर नहीं होता है। लेकिन हाँ, 2004 में US में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टेड है जिसमें जो डोनर जो था, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या जिसमें लीवर किडनी का जो ट्रांसप्लांट हुआ और डोनर में अगर इन्फेक्शन थी तो दूसरे जो रिसीवर को ये डिजीज़ होने का खतरा हो सकता है। सवाल नंबर 12 जो बहुत ज़रूरी है कि क्या गाय, भैंस आदि का कच्चा दूध पीने से रेबीज़ हो सकता है? बहुत कम चांस है, क्योंकि वायरस हमारे पेट में बनने वाले एसिड से मारा जाता है। लेकिन यदि मुंह या गले में किसी तरह का जख्म या अल्सर है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि दूध को अच्छे से उबाल के, रोलिंग बॉयल करके ही पिया जाए। सवाल नंबर 13, क्या रेबीज़ होने पर इंसान कुत्ते की तरह व्यवहार करने लग जाता है? जी नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी भ्रांति है। जब इंसान को रेबीज़ हो जाता है तब मरीज़ पूरे होश में रहता है और ना ही तो वो कुत्ते की तरह व्यवहार करता है और ना ही दूसरे लोगों को काटता है। इसमें किसी तरह का बाइटिंग बिहेवियर नहीं होता। यह सच है कि रेबीज़ होने पर इंसान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, उसको मौत से डर लगने लग जाता है, वो बहुत घबरा जाता है, बहुत अग्रेसिव हो जाता है और इधर उधर एमलेसली दौड़ने भागने लग जाता है। लेकिन वह किसी भी तरह से पागल कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं करता है। हालांकि रेबीज़ होने के बाद वह 8 से 10 दिन में उसकी मौत भी हो जाती है। सवाल नंबर 14, रेबीज़ होने के बाद इंसान को पानी से डर क्यों लगने लग जाता है? इस सवाल के जवाब में हम आपको इस भ्रांति के बारे में भी बताएंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेबीज़ होने के बाद इंसान कुत्ते जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जी हाँ, जैसे जैसे रेबीज़ का वायरस ब्रेन में एंटर करता है वैसे ही वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके शरीर में पैरालिसिस होने लग जाती है। जब खाना निगलने वाली मांसपेशियों में पैरालिसिस होता है तो खाना निगलने में परेशानी होने लग जाती है। जैसे ही खाना निगलने की कोशिश करता है वैसे ही गला घुटने की फीलिंग होने लग जाती है। इसलिए मरीज़ खाना और पानी नहीं ले पाता है, बावजूद इसके कि वह बहुत भूखा और प्यासा है। और जैसे जैसे पैरालिसिस बढ़ता है वैसे वैसे खाना पीने की कोशिश करने मात्र से ही गले में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है और मरीज़ के मन में डर बैठ जाता है। और उसके बाद में जैसे ही उसको पानी दिखाई भी देता है उसके गले में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि मांसपेशियों में पैरालिसिस होती है। और जिस तरह से वो चिल्लाता है तो लोगों को लगता है कि ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है, क्योंकि इसको रेबीज़ हो गया है तो इसलिए ये इंसान कुत्ता बन गया है और ये कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में ये भ्रांति होती है, क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ बिल्कुल पैरालाइज हो गई है तो इसके गले से इस तरह की आवाज़ आती है, इसलिए लोग इसको बोलते हैं। और इस चीज़ को हम जो बोलते हैं, जो पानी को देखते ही डर लगने को, इसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हमने 14 सवालों के जवाब दिए। अब एक सवाल आपसे कि जब भी कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 1, जख्म को रनिंग टैप वाटर में 10 से 15 मिनट साबुन से धोना चाहिए। सवाल नंबर 2, जख्म पे हल्दी मिर्च लगाना चाहिए। सवाल नंबर 3, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से कितना सीखे। इस वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा आप प्लीज़ प्लीज़ हमको बताइए, और क्या ऐसी जानकारी थी जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो मिली। प्लीज़ देखते रहिए शॉन टिप्स, हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो हमारा जब नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में हमको लिख के ये ज़रूर बताइए कि आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पे आप हमको चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।